नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। काशी शब्दोत्सव का हुआ शुभारंभ, 12 फरवरी तक चलेगा मंथन। लेखकों, विद्वानों एवं प्रबुद्ध वर्ग का होगा अपूर्व समागम। बिहार दौरे पर संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, 68 मजिस्ट्रेट के साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, बौद्धकालीन शिलालेख भी देखेंगे। संघ के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा, विश्व शांति के लिए भारतीय सिद्धांतों को जानना जरूरी, नई दुनिया बनाने के लिए वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत महत्वपूर्ण। वैदिक परंपरा का प्रसार कर रहा अर्जेंटीना का हस्तिनापुर फाउंडेशन, हस्तिनापुर की ऐतिहासिक धरा से परिचित हुए अर्जेंटीना के 28 शोधार्थी। फाउंडेशन ने 100 से अधिक वैदिक ग्रंथों के स्पेनिश में कराए अनुवाद। वाराणसी के इरशाद अली की अनोखी हनुमान भक्ति, कपड़े पर गंगा की माटी से उकेरी हनुमान चालीसा की चौपाइयां। आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रहा आजमगढ़ का रासेपुर गांव, ऑनलाइन सुविधाएं और चमचमाते मार्गों से होती है गांव की पहचान, सेल्फी लेने को मजबूर करती है हरियाली और तालाब। आगरा के गणेश राम नगर स्कूल की लड़कियों ने किया कमाल, इसरो सैटेलाइट का बनाया डिवाइस, ऐतिहासिक लॉन्च की बनेगी गवाह। यूपी के बुंदेलखंड में परंपरागत खेती छोड़ किसान कर रहे स्ट्रॉबेरी की खेती, कमा रहे मोटा मुनाफा। वीजा के बावजूद पाकिस्तान के इमिग्रेशन अधिकारियों ने 190 हिंदुओं को भारत आने से रोका, इमिग्रेशन विभाग ने कहा, भारत जाने का अपना उचित कारण नहीं बता सके ये लोग। यूपी के हापुड़ में अवैध पशु कटान के धंधे का पर्दाफाश, पुलिस ने आरोपी सरताज और शान मोहम्मद को किया गिरफ्तार, मांस और अवशेष बरामद। यूपी की राजधानी लखनऊ में 40 देश के 400 विदेशी डेलीगेट्स करेंगे 30 लाख करोड़ का निवेश, पीएम मोदी ने किया जीआईएस 2023 का शुभारंभ। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पास, परीक्षा में गड़बड़ी की तो आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान। हरिद्वार के गुरुकुल आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में आयुर्वेद से होता है कैंसर का उपचार, कई राज्यों से उपचार करवाने आते हैं मरीज। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।